मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली। तो सबसे पहले मैंने आपको सुबह में मेरे बैल्कनी का नज़ारा दिखाया था। अब मैं इस बेड को जल्दी से तय कर लूँगी और मेरे बेड होने के बाद ये जो मेरी साड़ी है ना, ये कल मैंने फंक्शन में पहनी हुई थी। तो इस साड़ी को पहले मैं क्या करती थी, साड़ी पहनने के तुरंत बाद एक बार भी मैं पहन लेती थी तो मैं ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देती थी। तो मेरी आंटी ने मुझे कहा कि नहीं ऐसे मत करना और साड़ी को बस बाहर रखना, फ़ैन की हवा लगने देना और फिर से आइदर आयन करके अंदर रख देना, जैसे आयनिंग करके ना फिर से अंदर रख देना, नहीं तो साड़ी ख़राब हो जाती है बार बार ड्राई क्लीनिंग करने से। बहुत ही सुंदर मेरी साड़ी ली है, मैंने ऊन की जो है ना थ्रेड सेरेमनी में ली थी और कल मैंने इसे फिर से पहना था। बहुत खूबसूरत साड़ी है। अब इसे मैं रख दूँगी अंदर और मैं बेड बनाऊंगी और फिर मैं हो जाऊंगी रेडी और मुझे निकलना है बाहर क्योंकि मुझे जाना है फिजियोथेरेपी के लिए। तो चलो, तो आज मैं पहनूंगी ये वाला मेरा जो ड्रेस है वो मैं पहनूंगी और उसके साथ ना मुझे आज इस सलवार को पहनने का मन कर रहा है, ऐसा वाला जो सलवार होता है बिल्कुल थोड़ा सा ये ऐसे फ्लेयर है तो ये मैं पहनूंगी। चलो उसके बाद आपसे मिलती हूँ। रेडी जाने के लिए अभी बाहर अपने फिजियोथेरेपी के लिए और मैंने जैसे आपको बताया था मैंने पहना है ये वाला। तो मुझे ना ये मेरे सारे मग भी चेंज करने हैं, ये सारे ख़राब हो गए और मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे मग के लिए कुछ अलग सा करूँ। बहुत सारे मेरे मग हैं लेकिन अंदर है बॉक्सेस में, लेकिन अब मैं उनमें से कुछ नहीं निकालूंगी, मैं बाहर से ही मैंने ऑर्डर किए हैं और नए मग्स, तो मैं उन्हीं मग्स को लेके ना कुछ करने वाली हूँ मेरे किचन में शेयर करने के लिए। लेकिन मैं इन सारे मग्स को बाहर फेंकने वाली हूँ, आई एम डन विद देम। सो गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जाऊँगी बस से क्योंकि स्वप्निल गए हैं ऑफिस और मैं आज बस से जाऊँगी और अपना जो है वो फिजियो में कंप्लीट करके आऊँगी। मैं 10 बजे निकल जाऊँगी और पता नहीं बस में बहुत रश होता है इस टाइम पे, सो देखते हैं। मैंने ना प्रॉन करी बनाने के लिए जो है वो कोकोनट का जो मिक्सचर हमें लगता है उसको मैंने रेडी करके रखा नहीं है, पर सारी चीज़ें जितनी इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैंने सारे डाल दिए हैं। और मुझे अगर नीचे जाते वक्त अगर मेरी जो हाउस हेल्प है वो दिख जाती है ना तो मैं उसे बोलूँगी कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि इतने दिनों से वो नहीं आ रही है। सो मैं अभी उसे बोलूँगी कि मैं नहीं हूँ और थोड़ा लेट आ जाओ, नहीं तो वो क्या करेगी, वो बस आके दरवाज़ा नॉक करेगी, कोई नहीं है तो चली जाएगी, ऐसे ही करती है और फिर वापस आती नहीं है। तो मैं उसे बोल के ही जाऊँगी कि कोई नहीं है तो अब थोड़ा सा लेट आ जाओ, मैं बाहर निकल रही हूँ और मैं जाऊँगी अभी अपना फिजियो लूँगी और उसके बाद मैं आऊँगी घर। और चलो अब हम निकलते हैं। अपना पेंडुला का जो है ये वाला ब्रेसलेट पहन लिया, मुझे बहुत पसंद है ये वाला ब्रेसलेट जो है ना मेरा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और जब से हम गोवा आए ना तब से मैंने इसमें कोई नई चार्म्स नहीं लिए हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं लूँगी बहुत जल्द। चलो दरवाजे को भी बंद कर देते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब मेरा घर पूरा नीट हो जब मैं बाहर निकल रही हूँ, क्योंकि उसके बाद घर आने के बाद ना अच्छा लगता है। ये जो है ना ये रोशन अपना बना लिया है और घर वैसे तो बहुत नीट है मेरा। चलो अभी हम निकल जाते हैं। ये हो गए मेरे शूज, मुझे बस स्टैंड तक जाने के लिए कुछ वॉक करना पड़ता है। Ba-da-ba-ba.
मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरी डॉक्टर जो है ना वो अभी आई नहीं है, सो मैं यहीं पे रुकी हूँ और मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। वो जगह जहाँ पे मेरा फिजियोथेरेपी का क्लिनिक है ये, ठीक है, ओपन हो चुका है, लेकिन वो फिजियोथेरेपिस्ट अभी आई नहीं है। ये है मेरे फिजियोथेरेपी का क्लिनिक जहाँ पे मैं आई हूँ, और ये मैं हूँ। मैं बस से आई, बस तो बहुत एम्प्टी थी, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि कंफर्टेबल नहीं थी। अभी बस से देखे हूँ, मैंने बस में कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं थी, और बस तो काफ़ी एम्प्टी थी और बहुत ही कंफर्टेबली मैं पहुँच गई यहाँ पे। अब मैं लूँगी मेरा फिजियोथेरेपी का जो सेशन है वो, और उसके बाद मैं जाऊँगी घर। घर पे और मुझे बस जो है ना वो कुछ देर लगी मिलने के लिए। मैंने आके अच्छे से फ्रेश एकदम मुंह को वॉश कर लिया और अब मैं खाऊंगी बनाना और उसके बाद जो है वो खाना बनाऊंगी। सो गाइस, मेरा पासपोर्ट भी आ गया है यहाँ पे टू माय किचन। गाइस, यहाँ पे जो है मैंने प्याज जो है ना वो बॉयल होने के लिए डाल दिया है, प्रॉन करी के लिए। बहुत सॉफ्ट होना चाहिए और उसके बाद ही मैं इसमें डालूंगी प्रॉन्स। और प्रॉन्स करी में आज मैं डाल रही हूँ ये भिंडी, लेडी फिंगर जिसे हम कहते हैं, ये मैं डालूंगी यहाँ पे। ये है लेपो फिश जिसको मैंने सॉल्ट लगा के रख दिया है। ये है प्रॉन्स, इसमें से कुछ मैं डालूंगी फिश करी के लिए, कुछ को मैं करूँगी फ्राई। और ये सारे बर्तन जो है अभी जाने हैं डिश वॉशर में। ये है मेरा फ़िश करी के लिए जो मैंने मसाला ग्राइंड किया है वो, लेकिन इसमें से ना थोड़ा मसाला मैं निकाल के डीप फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि सेकंड पोर्शन में मैं कभी भी इसी वीक में और एक बार फ़िश करी बना सकूँ। उससे क्या होगा, मेरा काम जो है वो कम हो जाएगा। और ये है मशरूम्स जिनको मैं अभी करूँगी सॉटे, एंड दिस इज़ राइस। यहाँ पे मैंने दो हाफ में किया है, यहाँ पे मैंने कुछ आज के लिए रखा है और कुछ मैंने निकाल के रख दिया है मसाला, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम के लिए ना जो है मैं फ़िश करी बना सकूँ। दिस इज़ डन। इसको मैं थोड़ी देर के लिए बाहर रखूँगी, ठंडा हो जाए, फिर मैं अंदर रखूँगी। इसको मैं डालूँगी फ़िश करी में। चेंज कर लिया मैं, मशरूम को सॉटे नहीं करूँगी, मैं कॉलीफ्लावर जो है ना गोभी उसको मैं बॉयल करूँगी, क्योंकि फ़िश तो ऑलरेडी फ्राई कर रही हूँ तो और सॉटे नहीं करूँगी, इसको मैं बॉयल करूँगी। तो यहाँ पे मेरी फ़िश करी जो है ना, प्रॉन्स करी विथ लेडी फिंगर रेडी हो रही है। इसमें मैंने डाले हैं बड़े बड़े प्रॉन्स ऐसे एकदम, ये देखो यमी यमी। आई एम वेरी सॉरी, मैंने रेसिपी डिटेल में शेयर नहीं की क्योंकि ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, दिस करी इज़ डन, इसको मैं करूँगी। तो यहाँ पे मेरा लंच रेडी है। यहाँ पे मैंने जो है ना कॉलीफ्लावर को स्टीम करके लिया है। यहाँ पे मेरा फ़िश फ्राई होके क्रिस्पी एकदम रेडी है। फ़िश करी मैंने आपको दिखाई थी बिल्कुल ऐसे प्रॉन एंड लेडी फिंगर के साथ, और इसके साथ मैंने बनाया है वाइट राइस, स्टीम्ड वाइट राइस। तो चलो अब करते हैं लंच और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ।